हेलो चो आइए इस प्रश्न करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि एक गैसीय निकास हमारे पास है जहाँ ए पी वन वी वन टी वन से बी पी टू वी टू, मतलब आपके पास ए कोई पॉइंट था जिसका प्रेशर वी पी वन था, वॉल्यूम वी वन था और टेम्परेचर टी वन था। वहाँ से बच्चों वो आपके पास कोई बी पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया। बी पॉइंट में बच्चों आपके पास वो पी टू है, वो आपके पास वी टू है, आपके पास टी टू है। फिर उसने बोला कि अवस्था बी से वो सी पे जाता है, तो ठीक है वो आपके पास यहाँ पे हमारे पास सी पे चला आया और सी पे उसने बोला कि हमारे पास पी थ्री है, वी थ्री है और आपके पास टी थ्री है, और वापस सी से वो आपके पास ए पे चला आ रहा है। ये तो एक साइकिल बन गया है, और जब कभी भी एक साइकिल बन जाता है मतलब आपके पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। ये आपके पास एक चक्रीय प्रक्रम का उदाहरण है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों आपके पास, हमारे पास इसका जो है बच्चों आपके पास ऑप्शन नंबर टू जो है वो आपके पास हो जाएगा। उत्क्रमणी जो होता है वो जो रिवर्स हो, समदापी मतलब जहाँ पे दाब समान होता है, स्वतः प्रक्रम मतलब जो खुद से होता है। ये चीज़ें आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे बच्चों, अगर डेल्टा जी बच्चों आपके पास नेगेटिव आता है तो वैसी प्रोसेस हमारे पास स्वतः प्रक्रम हुआ करती है। ये हम सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनमिक्स जब पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।